एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं उस एक तरीके के बारे में जिसके कारण हम लोग अपनी लाइफ में नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। वो क्या तरीका है जो हमने अपना के रखा है जिसके कारण ये इशू आती है। आपने देखा होगा कि दिन में अगर आप 80% पॉजिटिव रहते हो बट 20% नेगेटिव भी रहते हो, तो ये वही 20% क्यों मैनिफेस्ट होता है, वो 80% क्यों नहीं होता है। हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि एक नेगेटिव थॉट को ओवरकम करने के लिए हमें 5 पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो एक नेगेटिव थॉट कट पाता है। हम लोग आज इसके बारे में ही बात करेंगे, ये ऐसा क्यों होता है, और अगर आप अपने आप में चेंजेस लाना स्टार्ट कर देते हैं तो इन चीज़ों में सुधार आपको खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले, अभी जितने भी लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सारे के सारे लोग अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कीजिए। मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोगों का जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो होगा शॉर्ट। बच्चों की आप सांसों को देखते हो जब वो सोते हैं, या आप खुद सोते हो तो देखते हो कितनी लंबी गहरी सांसें लेते हैं हम लोग। बच्चे कितनी लंबी गहरी सांसें लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो पेट फूल जाता है। जब मैं आपको जितने भी मैं मेडिटेशन की वीडियोस दे रही हूँ, सब में सबसे पहले मैं आपको 3 से 5 ही बार ब्रीदिंग कराऊंगी, लेकिन डीप ब्रीदिंग डेफिनेटली कराती हूँ। इन सब के पीछे का वजह है क्या, हम लोग क्या आज के जो लाइफ का पैटर्न है वो शॉर्ट ब्रीदिंग वाला पैटर्न हो गया। मैक्सिमम जने शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। शॉर्ट ब्रीदिंग मतलब तुरंत सांस लिया, तुरंत छोड़ा, मतलब वो बहुत फास्ट है आपका ब्रीदिंग। कुछ लोगों को तो प्रॉपरली सांस लेने में दिक्कत भी आती है। तो ये जो फेज होता है, ये सांस का ये जो फेज है, शॉर्ट ब्रीदिंग का फेज है, ये हमारी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक अलर्ट का सिचुएशन है। वो होता ना लाल बत्ती जली हुई है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि ये जो शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, ज़्यादातर कब होती है, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता, कोई घबराया हुआ होता है, सांस कितनी जल्दी चलती है, तो उस टाइम हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है ना। और जब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा ब्रीदिंग शॉर्ट है, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो अलर्ट मोड में है, वो रेडी है नेगेटिव थॉट्स को ही एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि उसको यही पता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ इसके साथ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। तो उसको पता है कि उधर से जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अब ऐसे में हम पॉजिटिव थॉट्स भी डालते हैं ना, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही वो नहीं है, हमारी ब्रेन उस वाइब्रेशन में ही नहीं है कि कुछ पॉजिटिव भी आएगा। वो रेडी है नेगेटिविटी के लिए ही रेडी है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि क्यों हम नेगेटिव थॉट्स हमारी इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जो अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं, जिनकी विशेज जल्दी मैनिफेस्ट होती है, आप गौर करना आपके ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, कि आप भी शॉर्ट पैटर्न वाले हो या आप लंबी ब्रीदिंग है आपकी, लॉन्ग ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये जो एक प्रॉपर जो आराम से सांस लेते हैं हम लोग, और नॉर्मली कैसे सांस लेते हैं, ये होती है शॉर्ट ब्रीदिंग, लगभग इतना। आप अपने आप में आप इस वक्त गौर कीजिए कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। जब हम आराम से सांस ले रहे होते हैं, हमारा उस टाइम कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब रिलैक्स्ड है, उसे पता है कि दिस पर्सन इज़ एट पीस, तो यहाँ से जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अब अगर आप नेगेटिव थॉट डालते हो, पॉजिटिव थॉट डालते हो, तो पहले वो पॉजिटिव लेता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उसका खुद का फ्रीक्वेंसी वही है। हमारी ब्रीदिंग के कारण हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी ही वही है कि पॉजिटिव थॉट्स को लेने हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव माइंडसेट में है। एंड जब हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है, तो उसका माइंडसेट, उसकी फ्रीक्वेंसी यही है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें नेगेटिव थॉट्स लेने, क्योंकि वो वही एक्सपेक्ट ही कर रहा है, हमारा ब्रेन वही एक्सपेक्ट ही कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी वाइब्रेट हो रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अच्छा लेना ही नहीं है, यही सच नहीं, सच सिर्फ वो नेगेटिविटी ही है जो आ रही है। तो आप लोग पहले, सबसे पहले सारे लोग ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग है तो क्या करें, मेरी खुद की शॉर्ट ब्रीदिंग थी, ठीक है, मैं अगर आपकी वीडियो बना रही हूँ, मेरी खुद की ये प्रॉब्लम थी, मैंने अपने आप में किया था ये ऑब्जर्व कि मेरी ब्रीदिंग शॉर्ट है, इस कारण मुझे ट्रांस में जाने में भी प्रॉब्लम होती है। मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते करते कई सारे क्लाइंट्स वगैरह सब में इन चीज़ों को एक तरह से देखो तो पड़ताल, जांच पड़ताल, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया कि शॉर्ट ब्रीदिंग वालों को ट्रांस में जाने में प्रॉब्लम आएगी, मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, फोकस में भी इश्यू आएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन है आपको ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करने में। कैसे करना है, डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मतलब सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए।
जब आपको याद आता है, अपनी ब्रीदिंग पर आपका ध्यान जाता है, तो थोड़ा अपनी सांस पर ध्यान लेकर जाइए, देखिए कि आपकी सांस कैसी चल रही है, उस टाइम रिलैक्स करके फिर से अपनी सांस को एकदम रिलैक्स मोड में लीजिए। जब भी आप विजुअलाइज करते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे होते हो, उस टाइम भी सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पर के मॉड्यूलेशन पर काम कीजिए। डेली 5 मिनट ही सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसे हम रिदमिक भी कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जितना देर अंदर सांस लेने में लग रहा है, उतना ही देर बाहर निकालने में लो। अगर 1, 2, 3, 4 में अंदर ले रहे हो, तो 1, 2, 3, 4 में बाहर भी लो। 5, 6 लगा रहे हो, तो 5, 6 बाहर भी लो। इसे काउंट करके आप शुरू में स्टार्ट कीजिए। इसे कैसे बोलूँ, काउंट करते करते, ओके, मैं उंगलियों से काउंट करती हूँ एंड ब्रीदिंग करती हूँ, ठीक है? हो नहीं रहा मेरे से, छोड़ो, मेरे से होगा नहीं उतना तालमेल। मेरी बात आप समझ गए हो, राइट? आपको रिदमिक ब्रीदिंग फॉलो करनी है एंड लॉन्ग ब्रीदिंग फॉलो करनी है। इससे आपका माइंड रिलैक्स्ड स्टेट में आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगी, तो ही पॉजिटिव एफर्मेशंस को आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट भी करेगा। एंड साथ में अपनी थर्ड आई पर काम करते रहो। जब इन चीज़ों को करो, ब्रीदिंग तो आप ठीक करो ही, अपनी थर्ड आई को भी एक्टिवेट करो। मेडिटेशन जो दिया आप उसमें भी गौर करना, पहले ब्रीदिंग करवाइए एंड देन थर्ड आई पे फोकस करवाए, ताकि पहले तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आइए, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस को बिलीव करवाइए कि अब जो आने वाला है वो पॉजिटिव है, हमें यही चीज़ चाहिए, यही तुम्हें एक्सेप्ट करना है। एंड देन हम थर्ड आई एक्टिवेट करके उस पर अपनी विशेष को डालते हैं। दूसरा एक और आप काम कर सकते हो, फिर समवन लाइक एंग्जाइटी स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हो, तो भी अपनी नाड़ियों पर अब ध्यान देना, ठीक है? सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी, ज़्यादातर एक ही साइड से सांस चलती है ना, जब दाहिने चलती है तो सूर्य नाड़ी होती है, जब बाईने चलती है तो चंद्र नाड़ी होती है, जब दोनों से चलती है तो वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो इस स्टेट में आप ना थोड़ा हैप्पीनेस वाले स्टेट में होते हो, रिलैक्स्ड वाले स्टेट में होते हो, तो इस नाड़ी को एक्टिवेट भी आप कर सकते हो। जब भी आप कोई मतलब प्रोसीजर में पढ़ रहे हो, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ करने वाले हो, या कुछ मीटिंग में जाने वाले हो, या आपको बहुत अपसेट लग रहा है, बहुत परेशान हो, तो भी आप कर सकते हो, लाइक जिससे सांस नहीं चल रही है उसी से सांस लो कुछ देर, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को भी आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि आपका मन थोड़ा हैप्पी रहे, जॉली रहे, एंड देन आप आगे की लाइक ये ब्रीदिंग जो आपका पैटर्न है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, इस पर भी ध्यान देते रहिए। आपका ब्रीदिंग पैटर्न एक बार ठीक हो जाएगा, तो लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना आसान हो जाएगा, वरना नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए, अपनी नाड़ियों पर ध्यान दीजिए, नाड़ी पर दोनों तो ब्रीदिंग पैटर्न पर ज़रूर दो, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक कीजिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी विशेष जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मधु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय।